क्वेश्चन 29 में एक स्मॉल स्फीयर रेडियस आर अज्यूम कर लो, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस यू का टर्म जीरो कर लेते हैं, और विस्कस लिक्विड होगा तो यहाँ पे ईटा का टर्म आएगा, हीट प्रोड्यूस होगा बिकॉज फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स है यहाँ पे, फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब आपको निकालना है एच का टर्म जो कि होता है डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, बेसिकली बच्चों ये एनर्जी अपॉन टाइम है तो इसको पावर भी बोल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है एफ इन टू वी, और यहाँ पे अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे कि डी क्यू बाय डी टी का एक फॉर्मूला नया बन जाएगा, फोर्स हो जाएगा बच्चों ड्रैग वाला, और वेलोसिटी हो जाएगी वी जो कि टर्मिनल है, क्योंकि आगे जाके ये कहता है स्फीयर ने अटेन कर ली है कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ध्यान रखें इन चीज़ों का। अब अपने पास जो हीट का रेट है, ठीक है, रेट ऑफ हीट उसी की वैल्यू होगी डी क्यू बाय डी टी, फोर्स का टर्म होता है विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स अपन लिखते हैं, तो स्टोक्स लॉ कहता है 6 पाई ईटा आर वी टी, और मल्टीप्लाई में एक और वी टी आ रहा है। ठीक, तो ये तो कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, तो ये चीज़ प्रोपोर्शनल कर जाएंगी आर और वी टी के स्क्वायर के। ठीक है, जो भी इसका हीट का रेट है। ठीक है बच्चों, इतना अपना फर्स्ट पार्ट में आंसर खत्म होता है। आप ध्यान देते हो तो इस तरह की एक ट्यूब ले लेते हैं अपन, छोटी सी बॉल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होता है, एक विस्कस फोर्स लग रहा होता है, बियॉन्ड फोर्स होता है, हालांकि स्मॉल बोला है तो इसको नहीं लिखते हैं अपन जनरली। ठीक है, और दोनों बराबर होंगे तो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे गिरता है, उसको टर्मिनल कहते हैं, नीचे आ रहा होगा एमजी। बात करता हूं मैं यहाँ पे टर्मिनल की थोड़ी देर के लिए, फॉर्मूला होता है इसका 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा, रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट ये सब कुछ यहाँ बच्चों कांस्टेंट है, लेकिन ये इस पे डिपेंड कर रहा है आर के स्क्वायर पे, तो यहाँ से वी टी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के स्क्वायर पे, इस टर्म को यहाँ रख लोगे, ठीक, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बदल जाएगी, आर का स्क्वायर और ऊपर एक और स्क्वायर लग जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपके पास 5/5 आर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जाएगा, जो कह रहा है हीट का जो रेट है वो प्रोपोर्शन जा रहा है R^5 के। ठीक है, ये एक फॉर्मूला अपन ने छोटा डिराइव करा है यहाँ पे, हीट मतलब क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम जो कि पावर का टर्म है, और फोर्स और वेलोसिटी के साथ पढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।